आपने गुज्जर हाथी के बारे में तो सुना ही होगा। बीते कुछ महीनों से यह हाथी हमारे पांच परगना क्षेत्र में काफी सुर्खियां बटोर रहा है। एक समय था जब बच्चे गब्बर के नाम से डरते थे, पर आज के समय में बच्चे ही नहीं बूढ़े और जवान भी इस गुज्जर के नाम से डरते हैं। मध्यम कदकाठी का यह हाथी दिखने में जितना ही शांत और मासूम लग रहा है, वास्तविक में यह हाथी उतना ही खतरनाक और आक्रामक है। हाथी एकांत में घने जंगलों में रहना अधिक पसंद करते हैं, पर यह हाथी जंगलों से ज्यादा गांव के आसपास में रहना ज्यादा पसंद करता है। आप दिन के उजाले में भी इस हाथी को आसानी से अपने गांव के आसपास देख सकते हैं, और यही कारण है गांव में इसके दहशत का। यह पेट भरने के लिए किसी भी जोखिम को उठाने के लिए तैयार हो जाता है और लोगों के घरों में घुसने में भी नहीं हिचकिचाता है। यह अक्सर गांव के आसपास छोटे झाड़ियों में ही अपना डेरा जमाए रहता है, और जैसे ही अंधेरा होता है यह सीधे गांव में प्रवेश करके अनाज को और घरों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। इसे ना ही मसाल का भय है, ना ही फटाके का, ना ही लोगों का शोर मचाने का इसके ऊपर में कोई प्रभाव पड़ता है। यह अपने मर्जी से अपने मन के मुताबिक जहां मन वहां विचरण करता है, और अक्सर रास्ते में मिलने वाले सभी सामानों को क्षति पहुंचाते हुए निरंतर आगे बढ़ता है। दिखने में यह बहुत ही शांत स्वभाव का लगता है, पर अचानक से इसका व्यवहार में बदलाव भी आ जाता है और यह खतरनाक भी बन जाता है। आज हम आपको यह कुछ वीडियोस हम दिखाने वाले हैं ताकि आप भी इस हाथी को अच्छे से पहचान सकें। वैसे तो सभी हाथी खतरनाक ही होते हैं, पर यह गुज्जर हाथी कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। इसके नजदीक जाना मौत को दावत देने के बराबर है, और यह लोगों को मारने में भी हिचकिचाता नहीं है। यह कभी भी आक्रामक हो जाता है और हमला कर देता है। इससे बचने के लिए दूरी बनाए रखें और सावधान रहें। धन्यवाद।